नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। महाशिवरात्रि का त्यौहार हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह महापर्व 18 फरवरी को मनाया जाएगा। पुरानी कथाओं में शनि को महादेव का परम भक्त बताया गया है, इसलिए महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर कुछ विशेष चीज़ें चढ़ाने से शनि की 7.5 ढैया और महादशा का प्रभाव कम हो जाता है। इस वक्त धनु, मकर और कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, जबकि तुला और वृश्चिक राशि पे ढैया चल रही है। ऐसे में इन राशियों को शिवरात्रि के दिन कुछ विशेष चीज़ें शिवलिंग पे जरूर अर्पित करनी चाहिए। आपको बताते हैं ये विशेष चीज़ें क्या हैं। गंगा जल। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से 7.5 और ढैया का प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो सकता है। आप किसी तांबे के लोटे में पानी ले कि उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाए, उसमें शिवलिंग का जल अभिषेक करें। दूध। भगवान शिव और उनके गले में लपटा नाग वासुकी की दोनों को दूध प्रिय है, इसलिए महाशिवरात्रि पर आप 7.5 और ढैया के प्रभाव को कम करने के लिए दूध भी अर्पित कर सकते हैं। दही। यदि शनि की 7.5 या ढैया आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे तो महाशिवरात्रि के दिन आप शिवलिंग पे दही भी अर्पित करें, इससे आपकी समस्याएं काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। देसी घी। शनि की टेढ़ी नज़र एक बार फिर किसी इंसान पर पड़ जाए तो उसका जीवन दुखों से भर सकते हैं। 7.5 और ढैया के जरिए शनि किसी जातक को परेशान करते हैं, इसलिए इससे बचने के लिए महाशिवरात्रि पर आप शिवलिंग पर देसी घी चढ़ा सकते हैं। शहद। शनि के प्रकोप से बचने के लिए आप महाशिवरात्रि पे भोलेनाथ के शिवलिंग पर शहद चढ़ा सकते हैं। इससे ढैया या महादशा के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संभावनाएं बहुत हद तक कम हो जाती हैं। भांग। भगवान शिव को भांग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इस दिन जो जातक शिवजी को भांग अर्पित करते हैं उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आप शनि की ढैया या 7.5 से बचने के लिए इसे शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप शिवलिंग पर चीनी, बेलपत्र, धतूरा और श्रीफल भी अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर चीज़ चढ़ाने से आपकी 7.5 या ढैया से संबंधित परेशानियाँ कम हो सकती हैं। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट लाइन स्पिरिचुअल।